नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। 500 साल बाद वो घड़ी आ ही गई जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार दीपावली मनाई जानी है, और इसके लिए अयोध्या में भव्य तैयारियां की गई हैं। देश के 140 करोड़ लोगों के लिए इसका विशेष महत्व है। आज पीएम मोदी ने भी दिवाली को विशेष बताया है, ये रिपोर्ट देखिए। सौ साल बाद अयोध्या में ऐसी दिवाली। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है। अद्भुत, अलौकिक, अकल्पनीय अयोध्या। रामलला के विराजने के बाद जो दीप उत्सव हो रहा है, उसका संपूर्ण श्रेय मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को देते हुए। 28 लाख दीपों से जगमगाएगी राम नगरी। 500 वर्ष के संघर्ष के बाद भव्य दीप नव राम मंदिर में भव्य मंदिर का निर्माण, और उस भव्य मंदिर के निर्माण में पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा, और प्रतिष्ठा के बाद की दीपावली। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव। भव्य दिवाली की अद्भुत तैयारियां। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने के बाद अयोध्या में ये पहली दिवाली है। 500 साल बाद एक बार फिर वो मौका आया है जिसका देश के करोड़ों लोगों को कई वर्षों से इंतजार था। प्रभु श्री राम अयोध्या के भव्य मंदिर में विराजमान हैं, और उनके विराजमान होने के बाद ये पहली दिवाली है जिसका उल्लास अयोध्या के कण-कण में दिखाई देता है। इसी साल 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर जब अयोध्या नगरी को भव्य तरीके से सजाया गया, तो हर किसी को उसमें दिवाली की झलक दिखाई दी थी। अब एक बार फिर दिवाली पर अयोध्या में वैसी ही सजावट है। पूरी अयोध्या राममय है, और तैयारी है दिवाली पर अयोध्या में नए रिकॉर्ड बनाने की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को धनतेरस की बधाई दी, और ये भी बताया कि क्यों इस बार की दिवाली सबसे खास है। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है, और उस भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली है, और इस दीपावली की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर गई, लाखों लोगों ने बलिदान दिए, यातनाएं झेली, हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी विशेष, खास, भव्य दिवाली के साक्षी बनेंगे। अयोध्या का सरयू घाट चमक रहा है, दिए तैयार किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी तैयारी दीपोत्सव को लेकर है। इस बार अयोध्या का सरयू तट एक नहीं दो विश्व रिकॉर्ड का गवाह बनेगा। अयोध्या में इस बार 25 लाख दियों को जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। 25 लाख दिए सरयू नदी के 55 घाटों पर जलाए जाएंगे। इन दियों को सजाने के लिए 30,000 से ज्यादा वॉलंटियर तैनात किए गए हैं। पिछली बार अयोध्या में दिवाली पर 51 घाटों में 22 लाख से अधिक दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। इस बार 55,000 दिए जलाकर नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ करीब 200 साधु संत और 1100 वैदिक ब्राह्मण सरयू नदी की महाआरती करेंगे। खास बात ये कि इस महाआरती में काशी की आरती को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा अयोध्या में ड्रोन शो, राम राज्य अभिषेक समेत कई ऐसे कार्यक्रम होंगे जिससे इस दीपोत्सव में राम नगरी में अध्यात्म, परंपरा और संस्कृति का अद्भुत संगम दिखाई देगा। राम कथा पार्क में रामलीला का मंचन होगा जिसमें 6 देशों म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड,
मलेशिया, कंबोडिया और इंडोनेशिया के कलाकारों के साथ देश के 16 राज्य के कलाकार भी हिस्सा लेंगे। कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश प्रशासन ने रेहड़ी पटरी और ढाबे वालों के लिए नेम प्लेट्स लगाना अनिवार्य कर दिया था, हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे वापस लेना पड़ा था। अब दिल्ली की नजफगढ़ सब्जी मंडी में ऐसा ही मामला सामने आया। भोपाल में बजरंग दल के पोस्टर पर सियासी बवाल हो रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। दिवाली के त्योहार के बीच दिल्ली के नजफगढ़ फल और सब्जी मंडी में नेम प्लेट लगाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। रेहड़ी पटरी के आगे सब्जी और फल बेचने वालों ने रेहड़ी नंबर के साथ अपनी पहचान भी जाहिर की है। मेरी मौजूदगी इस वक्त नजफगढ़ सब्जी मंडी में है, जहां पर रेहड़ी पटरियों पर नेम प्लेट लगाई गई है और बाकायदा नाम के साथ साथ उनके नंबर यहाँ पर लिखे गए हैं। मैं एक बार तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ, ये तस्वीर आप देखिए, सब्जी मंडी की तस्वीर है और कुछ इसी तरह के नेम प्लेट यहाँ पर लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं सावित्री देवी और यहाँ पर संतरे बेचे जा रहे हैं। यहाँ आप देखिए एक दूसरी ठेली पर आप देखेंगे अक्तबा राइन, ये देखिए यहाँ पर भी नाम लिखा गया है, और यहाँ देखिए मोहम्मद मिंटू राइन, ये तस्वीर देखिए यहाँ पर, और दूसरी तरफ भी आप दिखाएंगे तो यहाँ पर भी इसी तरह के नाम और नंबर लिखे हुए हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया गया? बताया जा रहा है कि नजफगढ़ मंडी के सदस्यों को लगातार अनजान लोगों की ओर से रेहड़ी और पटरी लगाने की शिकायतें मिल रही थी। मंडी एसोसिएशन के सदस्यों ने बैठक की और फिर नाम फोन नंबर लगाने पर सहमति बनी। जो वहाँ की एसोसिएशन है वो शिकायत कर रही थी कि अनजान चेहरे और जिनको वो जानते नहीं ऐसे लोग लगातार नज़र आ रहे हैं रेहड़ी पटरी लगाने के रूप में, तो मंडी एसोसिएशन के साथ मिलके हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया कि हर रेहड़ी पर अपना नाम वो खुद लगाएंगे मंडी वाले, और ये एक सार्थक पहल हुई और पूरी नजफगढ़ सब्जी मंडी में शुरुआत हो गई है। उधर भोपाल में दिवाली के मौके पर बजरंग दल का पोस्टर विवादों में आ गया है। पोस्टर में दिवाली की खरीदारी हिंदू दुकानदारों से करने की अपील की गई है। चौक चौराहे पर इस तरह के कई पोस्टर लगे हैं। वीएचपी ने पोस्टर का समर्थन किया है तो कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की है। अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, विश्व हिंदू परिषद का सभी से आग्रह है कि इस दीपावली के पर्व पर जो भी खरीदी करें वो खरीदी उन समाज के बंधुओं से, छोटे व्यापारियों से करें जो आपके खरीदी से उनकी दीपावली मने। विश्व हिंदू परिषद का जो बयान है कि दिवाली के अवसर पर हिंदू दुकानदारों से ही सिर्फ खरीदारी की जानी चाहिए, बहुत ही शर्मनाक है और देश को, समाज को बांटने वाला है, नफरत फैलाने वाला है, जहर घोलने वाला है, और ये कहीं ना कहीं हेट स्पीच की कैटेगरी में आता है। इसके ऊपर सरकार को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। जिसने ये बयान दिया है उस पर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी से शुरू हुआ विवाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद थम गया था। दिल्ली में नेम प्लेट लगाने की अलग वजह है, जबकि भोपाल में बजरंग दल ने जो पोस्टर लगाए हैं उससे कई लोग सहमत नहीं हो सकते हैं। कांग्रेस ने अपनी आपत्ति भी जाहिर कर दी है। ऐसे में इस पर सियासत होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी और सपा की सीधी टक्कर मानी जा रही है, लेकिन मायावती इस जंग को और दिलचस्प बनाती हुई दिख रही हैं। क्योंकि 4 सीटों पर बीएसपी ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के सोशल इंजीनियरिंग सेट की है, तो 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी को मैदान से बाहर करने की रणनीति तैयार की है। माना जा रहा है कि यह उपचुनाव बीएसपी के लिए अस्तित्व की लड़ाई है और इसमें अपनी ताकत दिखाने के लिए बीएसपी पूरा जोर भी लगा रही है। यही वजह है कि मायावती ने प्रत्याशियों का ऐसा जातीय समीकरण सेट किया है जो एसपी और बीजेपी दोनों के लिए खतरे की घंटी बन सकती है।
इस उपचुनाव में अभी मायावती लोकसभा चुनाव की ही रणनीति पर काम कर रही है। उन्होंने उसी के आधार पर 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों को उतारा है। बीएसपी के कई प्रत्याशियों ने लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को नुकसान पहुंचाया था। अब अहम ये है कि उपचुनाव में 4 सीटें ऐसी हैं जहां बीएसपी की सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी के हिंदुत्व को झटका दे सकती है। बीएसपी के कई प्रत्याशियों ने लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाया था। ऐसे में एक बार फिर से बसपा उसी रणनीति के तहत चुनावी मैदान में दिखने वाली है। मायावती ने 4 सीटों पर सवर्ण को टिकट दिया है, जिनमें से 2 ब्राह्मण, 1 राजपूत और 1 वैश्य है। कानपुर की सीसामऊ सीट से वीरेंद्र शुक्ला को उतारा है। मझवा से दीपक तिवारी को टिकट दिया। फूलपुर से जितेंद्र सिंह को उतारा। गाजियाबाद सदर से परमानंद गर्ग पर बीएसपी ने दाव खेला है। इन 4 सीटों पर बीएसपी ने जिस सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया है, उससे बीजेपी को नुकसान होने की बात कही जा रही है, क्योंकि इन सीटों पर बीजेपी का भी सोशल इंजीनियरिंग कुछ इसी तरह का है। भारतीय जनता पार्टी को आने वाले उपचुनाव में जनता पूर्ण समर्थन देगी और सभी 9 सीटों पर जिन पर उपचुनाव होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। बसपा कोई रणनीति बनाए, गठबंधन इंडिया गठबंधन कोई रणनीति बनाए, भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो सर्वोपरि रहेगा, वो जनता के प्यार से ऊपर रहेगा और जनता के सहयोग से पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और समर्थित दलों को मिलेगा। इसके अलावा बीएसपी ने मैनपुरी की करहल सीट से शाह के उम्मीदवार को टिकट दिया है, जो एक ऐसा वोट बैंक है जो बीजेपी और सपा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों ने इस सीट से यादव प्रत्याशियों को टिकट दिया है। देखिए, जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव हैं उसमें 2 पार्टी चुनाव लड़ रही हैं, एक बीजेपी और उसके एलाइज और समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के एलाइज इंडिया के घटक दल। इसमें बसपा का कोई रोल नहीं है या जो और भी राजनीतिक दल कोई कुछ बना रहा है कोई कुछ बना रहा, उनका कोई महत्व तो नहीं है और खेल बिगाड़ने की बबात का तो कोई बिल्कुल महत्व नहीं। 3 सीटों पर बीएसपी के उम्मीदवार सपा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है, जिसमें मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा से लेकर मुजफ्फरपुर की मीरापुर सीट शामिल है, जहां बीएसपी ने मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है और कटेहरी में उसने कांग्रेस से आए कुर्मी समाज के अमित वर्मा पर भरोसा जताया है, लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेताओं का ये कहना था कि पार्टी अपने रिसोर्सेस को किसी बड़े चुनाव के लिए ही रोक कर रखना चाहती है और उपचुनाव में उनका वेस्ट नहीं होने देना चाहती, लेकिन इस बार जिस गंभीरता से बसपा ये उत्तर प्रदेश के उपचुनाव लड़ रही है उससे ये साफ है कि अपने तेज़ी से गिरते हुए जनाधार को रोकने के लिए पार्टी वो सब कुछ करेगी जिसके बारे में इसके पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। लोकसभा चुनाव में बीएसपी 0 पर सिमट गई थी और बीएसपी का वोट शेयर भी सिंगल डिजिट में था। अब जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से कोई भी सीट बसपा के पास नहीं थी, इसलिए पार्टी के पास गंवाने जैसा कुछ भी नहीं है। बीएसपी की ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि उसके लिए ये सीटें प्रतिष्ठा का सवाल हो, लेकिन मायावती के लिए ये जीत की नहीं बल्कि वजूद की लड़ाई है और इस लड़ाई को लड़ने के साथ ही बीएसपी एनडीए और इंडिया के उम्मीदवारों का खेल बिगाड़ने की पूरी तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और बालसंत और रील बनाने वाले बाबा के नाम से मशहूर 10 वर्षीय अभिनव अरोड़ा की मां ने लॉरेंस विश्नोई गैंग के खिलाफ FIR दर्ज कराई। अभिनव की मां का आरोप है कि उनके बेटे को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। मथुरा कोतवाली में FIR दर्ज कराने के बाद अभिनव अरोड़ा को सुरक्षा दे दी गई। अभिनव को सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जाने और फोन पर धमकियां मिलने के मामले की जड़ में एक वीडियो है, जिसके वायरल होते ही अभिनव अरोड़ा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट देखिए। क्या महज 10 साल के बच्चे को भी जान से मारने की धमकी दे रहा है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई? कृष्ण भक्त अभिनव अरोड़ा से किस बात पर खार खाए बैठा है लॉरेंस बिश्नोई? सोशल मीडिया पर अभिनव को ट्रोल करने वाले लोग कौन हैं? क्या लाखों व्यूज के लिए यूट्यूबर्स ने अभिनव अरोड़ा को टारगेट बनाया? महज 10 साल के अभिनव अरोड़ा अपनी भक्ति में बातों से, अपने चुटीले अंदाज से और अपने सनातनी प्रवचन से इतनी सुर्खियां बटोर चुके हैं कि अब उन्हें हर कोई जानने पहचानने लगा है। FIR में अभिनव की मां ने आरोप लगाया है
मेरे बेटे अभिनव अरोड़ा को अलग अलग नंबरों से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। मैंने कल शाम एसएसपी साहब से इस बात की शिकायत की, लेकिन आज हमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से मोबाइल पर एक मैसेज मिला। उसने हमें जान से मारने की धमकी दी, हमें धमकी भरे फोन भी किए गए। करने के अलावा कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया जिसके लिए उसको इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। आज की बात बता रही हूँ, आज 3:30-4 बजे के करीब हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। इसी वायरल वीडियो के अगले सीन में दिखाया जाता है कि अभिनव अरोड़ा जगत गुरु राम भद्राचार्य के मंच पर खड़े हैं। सत्संग में कृष्ण के संदर्भ में विवाह पंचमी का महत्व बताया जा रहा है। तभी अभिनव अरोड़ा राम भद्राचार्य के पास जाते हैं, उन्हें झुककर प्रणाम करते हैं और वहीं खड़े होकर भगवान राम और राधा रानी का जयकारा लगाते हैं, जिस पर राम भद्राचार्य और नाराज हो जाते हैं और इस बार वो सीधे अभिनव अरोड़ा से कहते हैं कि आप पहले मंच से नीचे जाओ। वो अपने शिष्य को भी अभिनव को मंच से नीचे उतारने का आदेश देते हैं और कहते हैं कि मेरी भी मर्यादा है। राजा रामचंद्र भगवान की, आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे इनको, मर्यादा है मेरी, चलो भाई। अभिनव का आरोप है कि उनकी छवि खराब करने के लिए कहा जा रहा है कि राम भद्राचार्य ने उन्हें डांटा। अभिनव ने दावा किया कि मंच पर डांटने के बाद राम भद्राचार्य ने उन्हें अपने कमरे में बुलाकर आशीर्वाद भी दिया। क्या आपके माता पिता ने आपको कभी नहीं डांटा? क्या आपके गुरु ने आपको कभी नहीं डांटा? अगर देश के इतने बड़े संत जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी ने मुझे डांट भी दिया तो इसको देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? ये तो किसी ने नहीं डाला कि जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने उसके बाद मुझे अपने रूम में भी बुलाया था और अपना आशीर्वाद भी दिया था, लेकिन आपने बोला कि राम भद्राचार्य जी ने मुझे डांटा। अरे आपके गुरु ने भी तो आपको 8 साल की उम्र में कभी डांटा होगा। हालांकि इस बारे में जब खुद राम भद्राचार्य से पूछा गया तो उन्होंने अभिनव अरोड़ा के सभी दावों की पोल खोल दी। मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा जी, उसके लिए आप अरोड़ा वाला, अभिनव अरोड़ा इतना मूर्ख लड़का है, वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, शिष्यता से उसको बोलेगा मैंने नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। भारत के सबसे विद्वान संत जगत गुरु राम भद्राचार्य ने जब से अभिनव अरोड़ा को मूर्ख बच्चा बताया है, तब से सोशल मीडिया पर अभिनव और ज्यादा ट्रोल होने लगे हैं। अब ट्रोलर्स खुलकर कहने लगे हैं कि भारत के सबसे विद्वान संत ने सबसे झूठे संत की पोल खोलकर रख दी है। इससे नाराज होकर अभिनव अरोड़ा की फैमिली ने मथुरा थाने में केस दर्ज कराया, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई ना होते देख अब अभिनव के पेरेंट कोर्ट का रुख कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक नए मिशन पर हैं। बाबा यूं तो अक्सर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन इन दिनों उन्होंने समाज से जाति पाति और ऊंच नीच का भेद मिटाने का प्रण लिया और उसके लिए वो गांव-गांव भी जा रहे हैं, लोगों को संकल्प दिला रहे हैं। देश में मंदिरों की जमीनों पर गुरुकुल और गौशाला बनाने की अपील भी कर रहे हैं। अब हमने प्रण लिया है हिंदुओं को एक करने के लिए, जात पात को मिटाने के लिए, छुआछूत को हटाने के लिए भारत के गांव-गांव में जाएंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नया प्रण लिया है, समाज से जात पात और ऊंच नीच का भेद मिटाने का प्रण। उन्होंने कहा है कि इसके लिए वो गांव-गांव जाएंगे, सभी को गले लगाएंगे, एकता की अलख जगाएंगे। पिछड़े और पिछड़े लोगों से मिलने, बड़े बड़े लोग तो हमसे मिल पाते हैं। अब हमने प्रण लिया है हिंदुओं को एक करने के लिए, जात पात को मिटाने के लिए, छुआछूत को हटाने के लिए भारत के गांव-गांव में जाएंगे, गली गली में लोगों लोगों के पास जा करके, लोगों को गले लगा करके हिंदुओं में एकता का परचम लहराएंगे। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने संकल्प के तहत छतरपुर में आदिवासी समाज के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने वनवासी समाज के छात्रों और आदिवासियों से मुलाकात की, सामाजिक भेदभाव मिटाने का संदेश दिया। बटोरी गांव में आयोजित कार्यक्रम में काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। बाबा ने ग्रामीणों को संकल्प भी दिलाए।
आज हमने गांव में 3 संकल्प दिलाए हैं। पटवरी गांव के इस आदिवासी क्षेत्र में वनांचल में आकर के 3 संकल्प दिलाए हैं। पहला संकल्प हमने दिलाया है कि गांव के प्रत्येक युवा वर्ग और व्यक्ति को हर वर्ग के व्यक्ति को जात पात ऊंच नीच छोड़कर मंगल शनिवार को मंदिरों में बैठना प्रारंभ करना है। दूसरा संकल्प हमने दिलाया है कि ऊंच नीच छुआछूत को मिटाने के लिए जो हिंदू एकता की पदयात्रा 21 नवंबर से 29 नवंबर तक है उसमें सब लोगों को जुड़े एकजुटता के साथ जुड़ना है। तीसरा संकल्प दिलाया है माताओं को कि आप लोगों को अपने पतियों को परिवारजनों को अगर व्यसन से बचाना है नशा से बचाना है तो आपको नारायणी सेना गाँव में बनानी पड़ेगी और मदिरा बेचने वालों के दरवाजों पर नारायणी सेना खड़ी होकर ललकारेगी। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने देश के बड़े मंदिरों की जमीन पर गुरुकुल और गौशाला खोलने की अपील भी की। हम भारत सरकार और भारत के सभी मठ मंदिरों के मठाधीश आचार्य पुरोहितों से हम ये प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि प्रत्येक बड़े बड़े मंदिरों के स्थान पर एक एक गुरुकुलम और एक एक गौशाला की अगर पद्धति प्रारंभ कर दे तो शिक्षा के द्वारा शास्त्र भी सुरक्षित रहेंगे, संस्कृति का भी प्रचार होगा, गौ माता भी सुरक्षित रहेगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फिर चर्चा में हैं। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अब जात पात और ऊंच नीच का भेद मिटाने निकले हैं। इतना ही नहीं, गुरुकुल और गौशाला शुरू करने की अपील भी कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज 18, छतरपुर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनतेरस और 9वें आयुर्वेद दिवस पर 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 5,00,000 रुपए का मुफ्त इलाज की सुविधा लॉन्च की। इसके तहत देश के 6 करोड़ बुजुर्गों को फायदा मिलेगा। इसी के साथ ही एमपी और छत्तीसगढ़ को नए अस्पतालों की सौगात भी दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। अब 70 साल से अधिक आयु वाले देश के सभी बुजुर्गों का आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज हो सकेगा। इसके तहत उन्हें हर साल 5,00,000 रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल पाएगा। दिल्ली में आयुष्मान योजना के नए चरण की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली से पहले देश के बुजुर्गों को बड़ी सौगात दी है। अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। ऐसे बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड दिया जाएगा। पीएम मोदी की इस स्कीम से देश के करीब 4,05,00,000 परिवारों के 6 करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों को लाभ मिलने की उम्मीद है। अब तक इस स्कीम में कमजोर आय वर्ग के परिवारों को ही शामिल किया गया था। अब इस योजना का लाभ हर वर्ग और हर उम्र के लोगों को मिल सकेगा। ये ऐसी योजना है जिसमें आय की कोई पाबंदी नहीं, गरीब हो, मध्यम वर्ग का परिवार हो, उच्च वर्ग का परिवार हो, हर कोई इसका लाभार्थी बन सकता है। बुजुर्गों को सौगात देने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में और भी सौगातें दी। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात दी है। पीएम ने नीमच, मंदसौर और सिवनी में मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने इंदौर में नव निर्मित ESIC हॉस्पिटल का लोकार्पण किया, जबकि भोपाल में एम्स में कौटिल्य भवन और ड्रोन सेवा की शुरुआत की। साथ ही पीएम मोदी ने प्रदेश के 81,00,000 किसानों के खाते में 1,624 करोड़ की सम्मान निधि ट्रांसफर की। एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी दे रहे हैं, लेकिन आज तो यहीं पे मंदसौर से सच्चे अर्थों में हमारे किसानों की दिवाली भी मनी है। 88,00,000 किसान के परिवार। अब बताइए, पहले दूसरी सरकारें थी, उन्होंने कभी किसान की चिंता नहीं की। ये यशस्वी प्रधानमंत्री है जिनने कहा सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों के लिए कोई अंतर नहीं है। यहाँ 88,00,000 परिवारों को 6,000 रुपया प्रति किसान परिवार, उनके माध्यम से 1,625 करोड़ की राशि उनके खाते में धनतेरस और दिवाली मना रही है। ये सौगात यहाँ से दी गई है।
वहीं छत्तीसगढ़ को भी पीएम ने दिवाली गिफ्ट दिया है। बिलासपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जबकि रायपुर में नेचुरोपैथी अस्पताल का पीएम ने वर्चुअली उद्घाटन किया। ऐसे महत्वपूर्ण अवसर में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ के नागरिकों को स्वास्थ्य से संबंधित कई महत्वपूर्ण सौगात आज सौंपने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आज देश के अनेक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य अधोसंरचनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन के साथ साथ आज पीएमजेएवाई के तहत 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार भी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने दिवाली से पहले देश की सेहत को लेकर बड़ी पहल की है। बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मिल सकेगा, जबकि नए अस्पतालों की वजह से लोगों को सुविधा भी मिलेगी, इलाज आसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।